खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी संपर्क करें 9925046607। बिस्तान थाना क्षेत्र के ग्राम दामखेड़ा में एक किसान के खेत में अवैध रूप से खेत में लगा रखे गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि लक्ष्मण पिता मगन तोमर निवासी पुराना सरपंच फलिया ग्राम दामखेड़ा ने अपने घर के पास वाले तुअर के खेत में गांजे के पौधे लगा रखे हैं। उक्त मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बिस्तान श्री रमेश तिवारी के निर्देशन में पप्पू मोर्य, अमित पवार, शक्ति सिंह सिकरवार, दल सिंह चौहान, भारत सोलंकी, राहल आटपाड़कर एवं सैनिक राधेश्याम को लगाया गया। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान लक्ष्मण तोमर के घर के पास वाले तुअर का खेत पुरा सरपंच फलिया ग्राम दामखेड़ा पहुंचकर खेत की घेराबंदी की। वहीं तुअर के खेत में से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम पता लक्ष्मण पिता मगन तोमर उम्र 35 वर्ष निवासी पुराना सरपंच फलिया ग्राम दामखेड़ा का होना बताया। पुलिस ने बताया कि खेत की तुअर की फसल में अवैध गांजे के पौधे आरोपी द्वारा लगाए गए थे। तलाशी लेने पर तुअर की फसल के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजे के हरे पौधे लगे होना पाए गए। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा के पौधों की गिनती की गई, जो कुल 35 पौधे होने पाए गए। उक्त 35 पौधे का वजन करते कुल वजन 10 किलो 100 ग्राम होना बताया गया। लक्ष्मण को धारा 08/20 NDPCS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर थाना बिस्तान में अपराध क्रमांक 274/2022 में पंजीबद्ध किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बिस्तान रमेश तिवारी, पप्पू मौर्य, अमित पवार, शक्ति सिंह सिकरवार, दुले सिंह चौहान का सराहनीय योगदान रहा। भारतीय न्यूज़ के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.